आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आरजू चैनल में। और पिछले वीडियो में मैंने एक सैमसंग गैलेक्सी S70 का ये अनबॉक्सिंग किया हुआ था, तो उसमें और सारे जो फीचर्स है वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। और ये फोन है आपका, ये देख सकते हैं, ये फेस अनलॉक लगा हुआ है, ये खुलेगा। ये है सैमसंग गैलेक्सी S70। और इस फोन में फेस अनलॉक भी है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, ये सब उसका टेस्ट करते हैं और दिखाते हैं कि अंडर डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट दिया हुआ है वो फास्ट है या A50 जैसा ही है। और फेस अनलॉक भी देखते हैं कितना स्पीड है इसका, और भी बहुत कुछ देखेंगे, जैसे कि कैमरा टेस्ट देखेंगे, सेल्फी का आप और रियर कैमरा का आप, इसका वाइड एंगल शॉट देखेंगे। ये ट्रिपल कैमरा जो दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सब देखते हैं हम। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं ये जिसमें इसका आप फेस अनलॉक और कैमरा सैंपल वगैरह, कैमरा टेस्ट वगैरह, और थोड़ा कैमरा सैंपल वगैरह देख लेते हैं। ये कैमरा खोले, ये फ्रंट कैमरा चल रहा है अभी, और ऐसे कर देंगे तो ये बैक कैमरा हो जाएगा। देख सकते हैं A70 काफ़ी क्लियर आ रहा है, और इसको आप कैप्चर करिए, कैप्चर हो गया, और आप इसको देखिए जूम करने पे थोड़ा भी नहीं फट रहा है ये। थर्टी टू मेगा पिक्सल का कैमरा है, अच्छा है। और यहाँ पे मैं एक आपको सेल्फी लेकर दिखाता हूँ, और उसके बाद दिखाता हूँ कि हाँ कैसा सेल्फी है। सेल्फी भी 32 मेगा पिक्सल का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है कैमरा है 32 मेगा पिक्सल का है। तो यहाँ पे मैंने सेल्फी ले लिया हुआ है, और देखिए ये सेल्फी है, 32 मेगा पिक्सल का सेल्फी है, ये A70 से काफ़ी क्लियर फोटो है ये, देखिए। जबकि ये इंडोर लाइटिंग में लिया हुआ है, आर्टिफिशियल लाइटिंग में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और आपको इसका ओवरव्यू दे देते हैं, तो ये डिस्प्ले है आप देख ही लिए, और आप 32 मेगा पिक्सल का कैमरा है। साइड में है आपका, साइड में देखिए यहाँ पे है ये पावर बटन है, और ये वॉल्यूम रॉकर है अप डाउन, और इस साइड में आपका ये सेकेंडरी माइक दिया हुआ है, और यहाँ पे सिम ट्रे है, यहाँ पे आपको डबल सिम और एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं, 512 GB तक इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक है, ये हेडफोन जैक, और ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा और दूर करते हैं, फोकस नहीं आ रहा, ये 3.5 mm ऑडियो जैक दिया हुआ है, और ये USB-C पोर्ट दिया हुआ है, चार्जिंग पोर्ट, और ये है प्राइमरी माइक है, और ये है स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे प्राइमरी ये स्पीकर है। और यहाँ पे आप शायद नहीं ध्यान दिए होंगे, इस कैमरा के ऊपर ही देखिए, यहाँ पे कैमरा के ऊपर ही ये कॉलिंग का जो स्पीकर होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे सैमसंग का ब्रांडिंग किया हुआ है, सैमसंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी और कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है ये फ़ोन से, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका 32 मेगा पिक्सल का कैमरा, ये है 5 मेगा पिक्सल, और ये 8 मेगा पिक्सल का कैमरा, और ये है आपका LED फ्लैश। और वाइड एंगल कैमरा का थोड़ा शॉट लेकर देखते हैं, देखिए कैसा है,
ये है नॉर्मल है, और ये यहाँ पे आप कर देते हैं तो देखिए ये वाइड एंगल हो गया, काफ़ी दूर चला गया ये, देख सकते हैं। और ये है सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया, और ये है वाइड एंगल, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इस फोन का फेस अनलॉक चेक करके देखते हैं कितना फास्ट है। सेट कर दिया मैंने, और आप देख सकते हैं जैसे ही फेस के सामने मैंने लाया ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है। आप ऊपर देख सकते हैं कैमरा, फ्रंट कैमरा जो है उसके सामने थोड़ा सा ऐसे लाइटिंग आता है और लॉक खुल जाता है। तो काफ़ी फास्ट है ये फेस अनलॉक इसका, देख सकते हैं आप। और इस तो ये है आपका फ़ोन, और चलिए इसको थोड़ा लगा देते हैं इसमें, इस बैक कवर में। तो आप देख सकते हैं ये बैक कवर लग गया हुआ है, फिर भी ये आपको दिखाई दे रहा है रेनबो इफेक्ट। तो चलिए अब इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को भी चेक कर लेते हैं। पहले इसको सेट कर लेते हैं फिंगरप्रिंट को, और उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे कि कितना फास्ट है। तो ये मैंने एक बार डाला, ये 27% हो गया, 35%, 40%, 47% हुआ, 53%, 58, 63, 68, 71, 75, 80, थोड़ा और इसको करते हैं 100% तक, 84, 88, 92, 96 एंड ये अब 100% हो गया। तो चलिए अब इसको खोल के ट्राई करके देखते हैं कितना फास्ट है ये इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर कितना फास्ट है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप टच करिएगा तो ये खुल गया, काफ़ी फास्ट है A50 के मुकाबले। A50 में थोड़ा स्लो था, लेकिन A70 में उससे थोड़ा फास्ट किया हुआ है इसको, उससे फास्ट थोड़ा काम कर रहा है ये, आप देख सकते हैं ये। तो आपको अगर इस सैमसंग गैलेक्सी A70 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सभी के क्वेश्चन का आंसर देंगे। और इस फ़ोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं, हम सभी के क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि हम जब भी या कोई दूसरा वीडियो डालेंगे, नया वीडियो डालेंगे, तब आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आपको सबसे पहले पता चलेगा कि हाँ नया वीडियो आ गया है, तो आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे और आप उसको आसानी से देख पाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें।